Hi guys, hello everyone and welcome back to our channel Technical Civil. Design of RCC Foundations की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने डिजाइन ऑफ RCC Foundations के अब तक कुल 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप 11th लेक्चर देख रहे हो इस वीडियो सीरीज का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके प्रीवियस सभी लेक्चर्स को देखा होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा वो कृपया करके उन सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर देखें। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आइए हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम इस सेशन में एक आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग को डिजाइन करेंगे बट एक पेडेस्टल के साथ। हमने प्रीवियसली एक आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग ही डिजाइन की थी लेकिन हमने उसमें पेडेस्टल को कंसिडर या इंक्लूड नहीं किया था और बहुत से लोग ये नहीं समझते, ये नहीं जानते कि अगर हम एक फुटिंग में पेडेस्टल को डिजाइन करें या इंक्लूड करें तो उसके अंदर कैलकुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, IS कोड के क्या प्रोविजंस हैं और कैसे ये सारी प्रोसेस हमें फॉलो करनी। तो वही सारी चीजें बिल्कुल सिंपल तरीके से और आसान भाषा में हम आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें एक पेडेस्टल के साथ आइसोलेटेड फुटिंग को डिजाइन करना है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर करते रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने प्रीवियसली एक फुटिंग डिजाइन की थी आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग, आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग, ठीक है। उस फुटिंग के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से हमने कैलकुलेट किया था, डिजाइन किया था कि कैसे एक आइसोलेटेड स्लोप्ड स्क्वायर फुटिंग को डिजाइन किया जाता है, कौन कौन से कैलकुलेशंस होते हैं और इन सभी के बीच IS कोड के क्या प्रोविजंस और रेगुलेशंस हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली कंप्लीट कर लिए थे और उसी फुटिंग को हम यहाँ दोबारा कंसिडर कर रहे हैं और इसके अंदर सारा डेटा सेम रहेगा, बस जब उस फुटिंग में हम एक पेडेस्टल को एड कर देंगे तब क्या चेंजेस हो गए हमारे डिजाइन में और कैलकुलेशन में, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने जो फुटिंग पहले ली थी, जो उसका डेटा हमने लिया था वो वही रहेगा एज इट इज जो हमने ले रखा था और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने उस फुटिंग की डिजाइन को देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा दोबारा से कि जो हमने फुटिंग या उसका जो डेटा हमारे पास हमें दे रखा था उस फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग के लिए, उसमें कुछ यूं था कि आपके पास एक RCC कॉलम है, ठीक है। RCC कॉलम है जो कि स्क्वायर है 350 by 350 mm का एक कॉलम आपके पास दे रखा है। उस कॉलम के अंदर जो लोड आ रहा था वो 800 kN का था जो कि अनफैक्टर्ड था, इसको हमको बाद में फैक्टर्ड करना था, ठीक है, ये अनफैक्टर्ड था। उसके बाद आपको जो सॉइल की अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी दे रखी थी वो 200 kN/m² की दे रखी थी। इसके अंदर आपको जो कंक्रीट यूज करना था वो M20 ग्रेड का था और जो स्टील था वो HYSD बार्स आपको यूज करने थे। जी हाँ, HYSD बार्स आपको यूज करने थे, स्टील ग्रेड आपका FE415। तो ये डेटा हमें ऑलरेडी दे रखा था और इन्हीं डेटा के मुताबिक, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग को डिजाइन करना था जो हमने बखूबी कर ली थी और उस फुटिंग का जो बेस डायमेंशन हमारे अकॉर्डिंगली आ रहा था वो था 2.1 m/2.1 m। ये हमारी स्क्वायर फुटिंग थी, स्लोप्ड फुटिंग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो उसका जो बेस डायमेंशन था 2.1 m/2.1 m। अब हमें क्या करना है, इसी फुटिंग को दोबारा से कैलकुलेट करना है, दोबारा से डिजाइन करना है बट इस वक्त हमें इस बार जो है उसके अंदर पेडेस्टल को ऐड करना है। अब पेडेस्टल जब इंक्लूड करते हैं तब क्या चेंजेस होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर हम जब भी किसी भी चीज की हम डिजाइन करते हैं तो पहले हम उसके डायमेंशन को तय करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। तो डायमेंशन अगर हम फुटिंग की देखें तो फुटिंग के डायमेंशन कुछ यूं थे कि भाई हमारे पास जो हमारी फुटिंग थी वो अभी मैंने आपको बताया कि 2.1 by 2.1 ये इसका बेस डायमेंशन था और इसकी जो ओवरऑल डेप्थ थी वो 600 mm की आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक एडिशनल मेंबर है, एक एक्स्ट्रा मेंबर है जो हमने इंक्लूड किया है, दैट इज नथिंग बट द पेडेस्टल। तो अब हमें पहले तो पेडेस्टल की जो डायमेंशन है वो तय करने होंगे, पेडेस्टल डायमेंशन क्या होगी, ठीक है।
अब देखो पेडेस्टल डायमेंशन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको डिसाइड करें, हमें पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन इसके लिए आईएस कोड के भी कुछ प्रोविजन है और कुछ चीजें हमें भी कंसिडर करनी होती है। देखिए पेडेस्टल में दो तरह के डायमेंशन होते हैं, एक तो उसका प्लान डायमेंशन और उसकी एक दूसरी जो होती है वो उसकी डेप्थ होती है, जो हमारे फुटिंग में होता है, ठीक है। तो प्लान डायमेंशन और डेप्थ दोनों चीजें हमें यहाँ पर कंसिडर करनी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक रफ फिगर के माध्यम से कुछ बताता हूँ और हम समझते हैं उसको लेकर, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कॉलम है, ये मान लीजिए हमारा कॉलम है और इस तरह से मैं एक जो है पेडेस्टल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पेडेस्टल है हमारी, ये इसकी डेप्थ हो गई और ये जो है हम प्रोजेक्शन छोड़ देते हैं छोटे से क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मवर्क वगैरह करना होता है, ठीक है। और ये हमारी फुटिंग की स्लोप है और ये इस तरह से नीचे गया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रफ फिगर आपको बता रहा हूँ मैं और इस रफ फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा कॉलम है, ये हमारा जो है पेडेस्टल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पेडेस्टल के अंदर हमें जो है ये पहले ये जो डायमेंशन आपको दिख रहा है ये डायमेंशन हमें निकालना होगा कि ये कितना होगा और दूसरा डायमेंशन उसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी। तो हम पहले उसके प्लान डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए प्लान डायमेंशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इससे कम नहीं करना या उससे ज्यादा नहीं करना, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल। लेकिन हाँ आप कुछ थंब रूल्स है या कुछ जगह है जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई हमारा जो पेडेस्टल का आउटर प्रोजेक्शन है वो हमारे कॉलम फेस से, मैं बात कर रहा हूँ कॉलम फेस से हमारा जो पेडेस्टल का एक तरफ का प्रोजेक्शन है वो आप मिनिमम 100 से 150 mm रख सकते हो। ये आप मान के चलिएगा कि आपका जो कॉलम है उसके फेस से, याद रखिएगा कॉलम के फेस से आपका जो प्रोजेक्शन होगा आपके पेडेस्टल का वो बेसिकली आप 100 से 150 mm मिनिमम बाहर रख सकते हो। इससे ज्यादा भी जा सकता है लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप 100 से 150 mm बाहर इसको प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। तो इधर से आप 100 से 150 mm, इधर से 100 से 150 mm, तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्शन रख सकते हो और ओवरऑल उसका जो डायमेंशन होगा वो कंसिडर कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर चलिए कि भाई हमने जो है 150 mm इधर से कंसिडर किया और 150 mm इधर से कंसिडर किया, ठीक है। तो इसका अब ये जो डायमेंशन होगा ओवरऑल कितना होगा, तो देखिए हमारा जो कॉलम है उसका डायमेंशन में बता था कि स्क्वायर कॉलम है 350 by 350 का था, ठीक है। तो कॉलम हमारे पास 350 mm का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस हमें क्या करना है, इस तरफ का प्रोजेक्शन मतलब 150 mm प्लस इस तरफ का प्रोजेक्शन मतलब ये भी 150 mm, ठीक है। तो ये हो गया 150 150 और ये 350 मतलब 650 mm। देखो बहुत सिंपल चीज थी, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है और कुछ चीजें जो प्रैक्टिकल बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि भाई आपके कॉलम फेस से अब आप यहाँ पर 150 की जगह 100 mm अगर कंसिडर करो तो भी कोई गलत नहीं देगा और 200 mm अगर कंसिडर करो तो भी कोई गलत नहीं देगा, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना डायमेंशन इसका ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है कि 650 mm हमारे पास जो हमारा कॉलम का पेडेस्टल, कॉलम के नीचे जो पेडेस्टल हम लगा रहे हैं उसका जो डायमेंशन है, अगर मैं आपको उसका प्लान डायमेंशन बताऊं, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर फुटिंग है, ये हमारा कॉलम था और ये मान लीजिए हमारा पेडेस्टल है, इस तरह से रफली, बहुत रफली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ओवरऑल ये 650 mm आ रहा है और ये भी उसका 650, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है तो यहाँ पर स्क्वायर पेडेस्टल हम देंगे, तो 650 by 650 का पेडेस्टल यहाँ पर आ रहा है, ये प्लान डायमेंशन हमने तय कर लिया, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा प्लान डायमेंशन हो गया। अब बात करते हैं इसकी डेप्थ के बारे में, इसकी डेप्थ कितनी होगी। यहाँ पर काफी लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं और काफी लोगों को पता नहीं चलता कि डेप्थ में करना क्या होगा हमें, ठीक है। तो ये जो रफ फिगर्स है मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम और क्लियर तरीके से इन सब चीजों को समझ सके, ओके। देखिए आईएस कोड आपको इसके बारे में कुछ चीजें समझाता है और कुछ प्रोविजन भी देता है, एक रिलेशन आपको दिया है आईएस कोड ने, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आईएस कोड के अंदर, अगर IS 456 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IS 456 2000 पेज नंबर 64 पर जाओगे आप तो यहाँ पर आपको जो है एक पूरा चैप्टर यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, हाँ 34th चैप्टर जो है 34th चैप्टर आपका आईएस कोड का फुटिंग के ऊपर है पूरा, ठीक। इसी में जो है एक क्लॉज है आपका जिसका नंबर है 34.1.3। तो इस क्लॉज के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है 34.1.3 में, इन द केस ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट पेडेस्टल द एंगल बिटवीन द प्लेन पासिंग थ्रू, देखिए अब
इस फिगर से समझिएगा, मैं आपको इस फिगर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या कह रहा है हमें कि द प्लेन पासिंग थ्रू द बॉटम एज ऑफ द पेडेस्टल, यानी ये ठीक है, ये प्लेन जो पेडेस्टल के बॉटम एज से पास हो रहा है वो, ठीक है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग जंक्शन एज ऑफ द कॉलम विद पेडेस्टल, यानी ये जंक्शन, ठीक है, ये जंक्शन जो कि कॉलम के साथ है, ठीक है, तो ये जंक्शन, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, ठीक है, वो ये एंगल बिटवीन द प्लेन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो इस इक्वेशन से गवर्न होना चाहिए, इस इक्वेशन से रेगुलेट होना चाहिए, ये आपको आईएएस कोड ने कहा है। अब हम इसको कैसे हमारे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोबारा हम आ गए, देखिए बेसिकली आपको करना क्या है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, हमने 650 बाय 650 का पेडेस्टल कंसीडर कर लिया है, ये आप याद रखिएगा, ओके। अब हम बात करते हैं उस हमारे पेडेस्टल के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन हमें दे रखा था। हाँ, उस इक्वेशन में जो चीजें हमें दे रखी थी, इक्वेशन बेसिकली क्या था, tan अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 क्यू नोट डिवाइड बाय एफसी के प्लस 1। अब ये क्यू नोट जो है इसकी भी डेफिनेशन हमें यहाँ पर दे रखी है, अगर आप देखोगे तो वेर क्यू नोट इज नथिंग बट द कैलकुलेटेड मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर एट द बेस ऑफ द पेडेस्टल इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड एफसी के, एज वी ऑल नो के ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहाँ पर जो टेन अल्फा हमें जो दे रखा है, ठीक है, विच इज टेन अल्फा शुड नॉट बी यू नो लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 इंटू क्यू नोट, ठीक है, डिवाइड बाय एफसी के राइट प्लस 1, ये हमें हमारा इक्वेशन दे रखा है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा क्यू नोट क्या है, ठीक है। देखो क्यू नोट कैसे निकालना आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है, जो हमारे पास लोड था, ठीक है, हमारे पास जो लोड था जो कॉलम के ऊपर आ रहा था वो, ठीक है, वो डिवाइड बाय हमारा जो पेडेस्टल है, मतलब आप देखिए ये जो लोड है ये कॉलम से सीधे पेडेस्टल में जाएगा, तो आप पेडेस्टल के ऊपर हम मान सकते हैं इसको कि पेडेस्टल का लोड है, ठीक है, तो पेडेस्टल पे जो लोड आ रहा है वो डिवाइड बाय 650 मतलब एरिया, उसका एरिया, ठीक है, तो मतलब ये लोड इंटू लोड डिवाइड बाय एरिया हो गया अल्टीमेटली, ठीक है, लोड डिवाइड बाय एरिया हो गया, ओके। तो ये 650 बाय 650 हमने कर लिया, और हम इसको क्योंकि ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होता है तो इसको 10^3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, थीके? तो अब जाकर आपकी जो वैल्यू आएगी क्यू नोट की वो 1.89 समथिंग आएगी, 1.89 डिवाइड बाय सॉरी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो ये आपकी क्यू नोट की वैल्यू निकल कर आ गई, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्यू नोट बेसिकली क्या था हमारे पास, इट इज नथिंग बट द कैलकुलेटेड मैक्सिमम बेयरिंग प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है, तो वही हमने किया, लोड जो था वो डिवाइड बाय उसका पेडेस्टल का एरिया, तो वो हमने यहाँ पर क्यू नोट निकाल लिया। एफसी के हम भली भांति जानते हैं, इससे बहुत फैमिलियर है कि अगर हमारे पास M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है तो इसकी जो 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ होगी वो 20 होगी, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 20 एफसी के, तो अब हम यहाँ पर ये रिलेशन में अगर कैलकुलेट करें तो 10 अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 अंडर रूट ऑफ 100 इंटू 1.89 डिवाइड बाय 20 प्लस 1। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो आपका ये जो रिलेशन है ये मोड लेगा एक नया 10 अल्फा, हम इसको कह सकते हैं वी शुड नॉट लेस देन 2.91, इसका कैलकुलेशन करके ये फाइनल रिजल्ट आएगा, ये एक आपकी इक्वेशन बन रही है। अब आप कहोगे सर इसका करना क्या है, ठीक है, इसका हमें करना क्या है, तो देखिए इसमें हमें करना कुछ नहीं, ये जो हमारा एंगल है इसको जो हमने प्रोजेक्शन हमारे इसमें दिया था बाहर, ये हमारा कॉलम था और ये प्रोजेक्शन बाहर आ रहा था 150 mm का, ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन के साथ हमें इस एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हमें इसकी रिक्वायर्ड डेप्थ देगा, हमें क्या देगा, इसकी रिक्वायर्ड डेप्थ देगा। आइए मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है, अगर हम यहीं पर इसको कैलकुलेट कर ले तो क्या होगा, यहाँ पर अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट हमारे पास जो प्रोजेक्शन हमने लिया था वो 150 mm का था, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते तो 0.15 इंटू ये 2.91 है, तो 2.91 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई, ये स्लोप है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 0.44 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये 440 mm की मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ आपको चाहिए, इस रिलेशन के मुताबिक हमने ये निकाल लिया है, ये कंफर्म कर लिया है कि आपके पेडेस्टल के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ कितनी होगी,
अब देखो ये आपके पास 440 mm की मिनिमम रिक्वायर्ड डेप्थ तो आ गई है, लेकिन हमें यहाँ पर हमेशा उससे थोड़ी बहुत ज्यादा डेप्थ कंसिडर करनी चाहिए, जैसे कि हम हमारी फुटिंग के केस में करते थे। तो आप यहाँ पर जो है 500 mm कंसिडर करें, 550 mm कंसिडर करें, 600 mm कंसिडर करें, 650, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे कंसिडरेशन के लिए जो डेप्थ कंसिडर कर रहे हैं, हमारे लिए जो डेप्थ हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो हम मान लेते हैं कि भाई 600 mm की डेप्थ है, हम यहाँ पर कुछ ज्यादा डेप्थ कंसिडर कर लेते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो 600 mm की डेप्थ हमारे पास यहाँ पर आ गई, बात समझ रहे हो। देखो असल सवाल जो था वो पेडेस्टल का था कि पेडेस्टल को कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो वही चीजें मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ कि हमने पहले उसका प्लान डायमेंशन देखा कैसे निकालना है, उसके अंदर कैसे कंसिडर करनी है चीजें हमें, ठीक है। प्लान डायमेंशन हमने निकाले भाई कि उसका 650 mm बाय 650 mm का हो गया। उसके बाद उसकी डेप्थ कैसे निकालनी, तो डेप्थ के अंदर हमने देखा कि कैसे एक हमारे IS कोड में रिलेशन दे रखा है पेज नंबर 64 के ऊपर, उस रिलेशन का हमने यूज किया और मिनिमम जो रिक्वायर्ड डेप्थ होती है वो हमने निकाली, और हमने अपने हिसाब से जो मैक्सिमम हम प्रोवाइड कर सकते थे या करना चाहते थे वो हमने 600 mm की डेप्थ यहाँ पर कंसिडर कर ली। बस यही डायमेंशन आपको तय करने होते हैं एक फुटिंग के अंदर फॉर पेडेस्टल, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके आगे की जो प्रोसीजर होगी वो एज इट इज जो हमने सेम प्रोसीजर हमारे आइसोलेटेड फुटिंग में कंसिडर की थी वो होगी। अब हमने यहाँ पर डायमेंशन सारे निकाल लिए, हमारे पास फुटिंग के डायमेंशन है, हमारे पास पेडेस्टल के डायमेंशन है। तो अब हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। मोमेंट कैलकुलेशन के अंदर हमें ये देखना होता है कि भाई कैंटिलीवर पोर्शन कितना है बाहर, जिसकी वजह से मोमेंट यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली जो फुटिंग डिजाइन की थी आइसोलेटेड वो उसमें बखूबी कंप्लीट कर लिया है, उसको बहुत डीप और अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो मैं आपसे यही आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों ने उस आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन को देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा, नम्र विनंती करूंगा कि उस फुटिंग की डिजाइन को एक बार जरूर देखिएगा। उन सभी सेशंस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए अब मैं थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ूंगा बिकॉज सारी चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है, जो हमने पहले ऑलरेडी कर रखी है आइसोलेटेड स्लो फुटिंग के अंदर। तो कैंटिलीवर पोर्शन हमने पहले निकालना होता है, हमारे पास पता है हमें कि टोटल जो हमारी बेस डायमेंशन है फुटिंग का वो 2.1 मीटर मतलब 2100 mm हो गया, और हमारे पास जो पेडेस्टल का जो साइज था वो हमारा जो उसका विड्थ हम कह सकते हैं वो 650 mm डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो आपको ये कैंटिलीवर पोर्शन दे देगा, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर पोर्शन हमें मिल गया। MUX MUY क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर फुटिंग है तो स्क्वायर फुटिंग है तो स्क्वायर फुटिंग के अंदर MUX और MUY दोनों दिशा में सेम हो गए क्योंकि डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पर हमने जो है मोमेंट निकाल लिया WL²/2 का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ये W है ये L है और कैसे L निकला ये आपको यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमें मोमेंट समझ में आ गई, मोमेंट हमें पता चल गई, मोमेंट हमने यहाँ पर निकाल ली। अब जो रेजिस्टिंग विड्थ है हमारे सेक्शन की वो कितनी है वो निकालना है, उसके बाद हमें जो रिक्वायर्ड डेप्थ होगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टिंग जो विड्थ होती है वो कैसे हम निकालते हैं, तो भाई हमारे पास टोटल जो था हमारा जो फुटिंग सॉरी फुटिंग नहीं पेडेस्टल जो हमारे पास था, ठीक है, मैं आपको बताऊं अगर ये जो पेडेस्टल है हमारे पास, ठीक है, ये जो पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है तो यहां पर आप देख सकते हो ये यहां पर हम छोटा सा प्रोजेक्शन देते हैं और इसका पर्पस क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये पर्पस इसका हम क्योंकि कास्टिंग करते हैं तो यहाँ पर जो फोम वर्क होता है फोम बोर्ड लगते हैं तो वो यहाँ पर लगाने के लिए छोड़े जाते हैं, 75 mm का हम मिनिमम छोड़ते हैं एक तरफ से, ठीक, तो 75 mm का। इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है कि इसकी जो रेजिस्टिंग विड्थ हो गई टोटल वो कितनी हो जाएगी 650 जो कि हमारे पेडेस्टल की विड्थ थी प्लस हमने 75 mm दोनों तरफ से एडिशनल प्रोजेक्शन छोड़े थे, ठीक है। तो ये 800 mm की उसकी रेजिस्टिंग विड्थ हो गई। अब इसके लिए जो डेप्थ रिक्वायर्ड होती है उसका भी जो IS कोडल फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इसकी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, दैट इज नथिंग बट MU बाय 0.138 FCK BD, ठीक है, BD स्क्वायर होता है तो D हमने यहां पर ले लिया, स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट कर लिया। ये सारी चीजें मैं स्पीड में आपको समझा रहा हूं यहां पर बिकॉज ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखी है, तो आप लोग मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस सेशन को देख लीजिएगा, ओके, जो लोग नए हैं मैं उनको कह रहा हूं। तो ये हमारा रिलेशन था उसकी तरफ से हमने इसको कैलकुलेट किया, डेप्थ रिक्वायर्ड जो थी 261 mm की आ रही थी, इसलिए हमने अब हम क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब डेप्थ इसकी कंसिडर करते हैं तो उससे 2 से 2.5 गुना ज्यादा हम ले सकते हैं, ठीक है, और लेना चाहिए वैसे भी, तो हम यहाँ पर 600 mm भी ले सकते थे, हम यहाँ पर 500 mm भी ले सकते थे, हमने यहाँ पर 460 mm कंसिडर करना मुनासिब समझा, जो कि आप भी कर सकते हो 450 460 500 जो भी आप करना। मैं रैंडमली इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूजन आपके दूर हो कि भाई
हमें करना क्या है, एक्चुअली इसका कोर क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल क्या है, ठीक है, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वेरिएशंस लेकर आ रहा हूँ इसके अंदर। ओके, तो 460 mm हमने यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ यहाँ पर ट्राई की है, ये ट्रायल बेसिस पर हमने लिया है। तो इसके अंदर जो हमारा एक्स दिशा में जो इफेक्टिव हमारी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, तो 460। चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी फिगर के हिसाब से समझाता हूँ जरा। ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमने उसकी डेप्थ ले ली थी और ये उसका प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये हमारा फुटिंग का स्लोप है और ये जो है इसकी एज डेप्थ हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होना, बेसिकली ये हमारा जो है रेनफोर्समेंट है बॉटम और ये टॉप रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होना है ना कि ये जो dx है ये बॉटम रेनफोर्समेंट है हमारा, ठीक है। तो बॉटम रेनफोर्समेंट से हमारा जो ओवरऑल यहां तक का जो यहां से यहां तक का जो हमने डिस्टेंस लिया था, जो डेप्थ हमने ली थी वो 460 की ली थी, अभी कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो अब इफेक्टिव कितना होगा, तो x डायरेक्शन मतलब ये जो हमारा बॉटम रेनफोर्समेंट है इसके सेंटर से यहाँ के टॉप तक का हमें टोटल डेप्थ निकालना है। तो कैसे पता चलेगा, देखो 460 तो टोटल है यहां तक का, ठीक है, उसमें से माइनस 50 mm हमने कवर किया तो माइनस 50 कवर हो गया, और हमने 12 mm के बार कंसिडर किए थे प्रीवियस जो फुटिंग हमने डिजाइन की थी उसके अंदर हमने 12 mm के बार कंसिडर किए थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके सेंटर बार के सेंटर में मतलब हम 6 mm सेंटर में चले गए, ठीक है। तो ये हमें बार के सेंटर से बॉटम बार के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस मिल गया, दिस इज नथिंग बट द इफेक्टिव डेप्थ इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इफेक्टिव डेप्थ इन वाई डायरेक्शन मतलब अब ये टॉप बार जो होगी इसके सेंटर से इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी हमारे टॉप तक की, तो सिंपल सी चीज है, यहां तक की जो डेप्थ थी वो माइनस हमने ये जो हमारा बॉटम बार था उसका 6 mm बचा हुआ था, प्लस हमने टॉप बार के सेंटर में जाना है मतलब उसके 6 mm में जाना है, मतलब 404 ये टॉप माइनस 6 mm हमारा बॉटम बार का जो बचा हुआ था माइनस 6 mm जो हमारा टॉप बार का सेंटर में आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा वाई डायरेक्शन का इफेक्टिव डेप्थ था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, विच इज नथिंग बट 392 mm। तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अगर हम इसकी एवरेज डेप्थ को देखें, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग डेप्थ है यहाँ पर, एवरेज डेप्थ को देखें तो ये 404 हमारे पास ये है, ये 392 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो 398। एवरेज डेप्थ हमें कब जरूरत पड़ती है, जब हम टू वे शियर को चेक करते हैं तब हमें एवरेज डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर बेसिकली हमने ये डेप्थ वगैरह निकाल ली, अब हमें एएसटी प्रोवाइड करनी है। तो एएसटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको मैंने बताया था पहले भी कि एएसटी हमें एक रिलेशन से प्रोवाइड करनी होती है, दैट इज एमयू बाय बीडी स्क्वायर। ये कौन सा रिलेशन होता है, एमयू बाय बीडी स्क्वायर का रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो क्या करना है, बेसिकली एसपी 16 के अंदर एक इसके लिए पेज नंबर 48 के ऊपर टेबल दे रखा है पीटी का, परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए, जिस जो डिपेंड करता है एमयू बाय बीडी स्क्वायर के रेशियो पे, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आप वहां से जाके इसका रेशियो पहले कैलकुलेट कर लीजिए, रेशियो हमने हमें पास हमें पता है कि भाई जो आपका मोमेंट है वो 150.17 इंटू 10^6 डिवाइड बाय जो हमारे पास बी था वो 800 था और डी हमारे पास 392 जो डी वाई हम लेते उसमें लेते, ठीक है। ये आप गलती मत करिएगा वरना आप लोग एवरेज डेप्थ यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो मोमेंट में यहाँ पर जब हम मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली इसका जो रेशियो आ रहा है वो 1.22 आ रहा है। अब इस रेशियो को आपको जाना है एसपी 16 के अंदर लेकर पेज नंबर 48 के ऊपर और वहां पर पीटी उसके हिसाब से निकाल लेना है इंटरपोलेट करके, ठीक है, या कोरिलेट करके। तो इंटरपोलेट करो या जो भी है वहां पर इंटरपोलेशन करोगे तो आपको पीटी की वैल्यू मिलेगी 0.366। ये मैं सारी चीजें डिटेल में इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कई मरतबा रिपीट कर दिए है हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर, क्योंकि वरना फिर आप लोग कहोगे कि सर आप तो क्या कर रहे हो, मतलब इतनी स्पीड में भगा रहे होगा आगे। तो ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी चीजें मैंने बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरह समझा दी है, तो मैं आपसे बार बार इसलिए यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग प्रीवियस सेशन को अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो पीटी हमारे पास आ गई, एएसटी में निकालना है। एएसटी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सिंपल चीज है, जो भी आपकी पीटी डिवाइड बाय 100 इंटू बी इंटू डी, तो ये हमारे पास एएसटी रिक्वायर्ड जो थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार थे वो अगर निकाले हम तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए हमें जो बॉटम एज होती है ना पहले वो कंसिडर करनी होती है। तो बॉटम एज हमने, क्योंकि पहले जो फुटिंग हमने डिजाइन की थी आइसोलेटेड की उसके अंदर 230 mm की थिकनेस हमने उसकी निकाली थी, यहाँ पर भी हम उसको सेम एज इट इज कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हमने फुटिंग के डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया, बस हमने यहाँ पर एक पेडेस्टल को इंक्लूड कर दिया है। और मेरा उद्देश्य यही है कि अगर एक आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग के अंदर सिंपली अगर उसको डिजाइन किया जाए तो कैसे करना होता है और उसमें पेडेस्टल को ऐड किया जाए तो कैसे करना होता है, तो ये कंपेरिजन आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 230 mm उसकी एज की डेप्थ हो गई, एज की हम थिकनेस कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया 230 mm। अब ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, मतलब एवरेज ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, क्योंकि ये 230 mm इसकी
एज थिकनेस हो गई और 460 इसकी ओवरऑल थिकनेस हो गई, तो इसकी ओवरऑल जो एवरेज डेप्थ हो गई ना 345 mm हो गई, 345 mm हो गई। तो अब इस एवरेज डेप्थ को हम यहाँ पर जो है मिनिमम स्टील में यूज करते हैं। तो ये पॉइंट वेल हम आपको बताया कि मिनिमम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं डिवाइड बाय मतलब 100 इंटू बी इंटू डी, बी मतलब हमारा बेस का जो डायमेंशन था 2.1 मीटर का, ठीक है, वो हमने लिया और डेप्थ हमारे पास जो थी ये एवरेज डेप्थ 345 ले ली। तो मिनिमम स्टील आपको 869.4 mm² प्रोवाइड करना है और मैक्सिमम मतलब जो हमारे मोमेंट के लिए आ रहा था वो 1148 था, ठीक है, मतलब 1148 mm². अब इसके मुताबिक यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि भाई अब यहाँ नंबर ऑफ बार अगर आपको प्रोवाइड करने हैं कितने डायमीटर के, तो हमने पहले कंसिडर कर लिया था कि ये 12 mm डायमीटर के में बार प्रोवाइड करने, बट कितने नंबर ऑफ बार तो ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है वो 1148 है, ठीक है, तो 1148 डिवाइड बाय हमारे पास जो एक बार था वो कितना था 12 mm का, तो उसका एरिया कितना होगा एक बार का एरिया पाई बाय 4d², तो टोटल एरिया डिवाइड बाय वन बार का एरिया इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बार हमें यहाँ पर मिल जाएगी। सिंपल चीज, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये 10.15 समथिंग आ रहा है, तो आप यहाँ पे 11-12 कंसीडर कर सकते हैं, हमने 12 कंसीडर किए, ठीक है, तो 12 नंबर ऑफ बार्स हमने यहाँ पर कंसीडर किए, 12 नंबर ऑफ बार्स हैं 12 mm डायमीटर के। तो इस हिसाब से जो हम ESD प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी है, तो वो अगर हम देखें तो भाई ये कैसे करते हैं कैलकुलेट, तो पाई बाय 4d² मतलब एक बार का एरिया इंटू 12, ठीक है, तो क्योंकि 12 बार हमने प्रोवाइड किए, तो टोटल जो हमने एरिया प्रोवाइड किया है स्टील का वो 1357 mm² है। रिक्वायर्ड कितना था मैक्सिमम 1148 का, तो हमने कुछ हद तक रिक्वायर्ड से ज्यादा प्रोवाइड किया, दैट इज ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिंग आपको देनी है इन बार्स की, तो स्पेसिंग कैसे दी जाती है, बड़ी सिंपल सी चीज है। स्पेसिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो टोटल जिस स्पान के ऊपर हम देना चाहते हैं उस स्पान का डायमेंशन पहले लिख लो, उसके बाद दोनों तरफ से 50 mm 50 mm माइनस कवर कर दिए, दोनों तरफ से हमने कवर माइनस कर दिया, उसके बाद क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देते हैं तो इस बार के सेंटर का डिस्टेंस इस बार के सेंटर का मतलब 6 mm इधर से 6 mm इधर से, दोनों तरफ से 6-6 mm ने माइनस कर दिया। और नंबर ऑफ बार माइनस वन हमेशा करते हैं हम लोग, इसका क्या कंसेप्ट था ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। तो 11 हमारे पास टोटल नंबर बार 12 थे, माइनस वन कर दीजिए 11 नंबर बार आ गए, क्योंकि हमें स्पेसिंग 11 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली कि ये 11 बार हमने डिवाइड कर दी, 11 स्पेसिंग डिवाइड कर दी हमने, तो ये हमारे पास जो स्पेसिंग रिक्वायर्ड हो रही है सेंटर टू सेंटर वो कितनी है, वो 180.7 mm की है, ठीक है। अब देखिए जब भी आप स्पेसिंग प्रोवाइड करते हो तो IS कोड का यहाँ पर एक रेगुलेशन है कि आपकी जो स्पेसिंग है वो 3 × d से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या फिर 300 mm, इन दोनों में से जो भी कम होगी वैल्यू उससे ज्यादा आपकी स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अगर हम 3 × d देखें तो हमारी डेप्थ यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, तो ये 230 थी टोटल हमारे पास, कितनी 230 है, उनमें से अगर माइनस 50 माइनस 6 करें तो 162 mm आ रही है आपके पास, ठीक है, तो 162 mm की आपकी ये डेप्थ है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये 486 mm आ रही है, और 300 इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू 300 है, तो हमने जो प्रोवाइड किया स्पेसिंग वो 180, तो 180 इज ऑब्वियसली लेस देन 300 mm, देन इट इज ओके, तो हमने स्पेसिंग जो प्रोवाइड की है वो ओके है। तो भैया ऐसा है कि हमने देखो नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर दी, स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी, हमने चेक भी कर लिया IS कोड के मुताबिक, अब डेवलपमेंट लेंथ भी चेक कर लीजिए, तो 47 इंटू डायमीटर ऑफ बार है तो हमने ये देख लिया 564 mm की डेवलपमेंट लेंथ है। अब जो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पर है उसके मुताबिक यहाँ पर उतनी एंकरेज लेंथ अवेलेबल है कि नहीं है वो भी तो चेक करना है। अवेलेबल एंकरेज लेंथ की बात करें तो इसमें देखिए आपको बेसिकली करना क्या है कि भाई ये जो आपका पूरा बेस डायमेंशन था कितना था 2100 mm का, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि कॉलम यहाँ मतलब यहां से लेकर ये जो डायमेंशन है पूरा ये कितना है अवेलेबल यहाँ पर, जब हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे तो एंकरेज लेंथ यहाँ पर कितनी अवेलेबल है ये हमें बेसिकली इसमें चेक करना होता है। कैसे चेक किया जाता है इसमें अंदर, बड़ी सिंपल सी चीज है, 2100 mm आपका टोटल है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो 1050 mm आपका ये सेंटर था, मतलब यहां से टोटल कितना आ गया 1050 आ गया, ये इस एज तक की बात कर रहा हूँ। इसमें से आपको कॉलम का हाफ माइनस कर दीजिए, मतलब कॉलम अगर आपका 350 का है तो 350/2 माइनस कर दीजिए, उसमें से पेडेस्टल जो है 50 mm का, सॉरी 150 mm एक तरफ से वो भी माइनस कर दीजिए, तो ये सारी चीजें अगर डिडक्ट करते आप जाओगे तो आपका जो पेडेस्टल के फेस से आपकी फुटिंग का जो टोटल डायमेंशन मतलब जो प्रोजेक्शन होगा आउटर का उसका डिस्टेंस निकलेगा 725 mm, ठीक है, लेकिन हमें कवर को माइनस करके बाद ये कंसिडर करना होता है, तो 725 mm आउटर सर्विस तक एज तक का डिस्टेंस था उसमें से माइनस 50 mm कर दीजिए तो 675 mm का आपका जो है एंकरेज लेंथ अवेलेबल है। अभी मैंने थोड़ा सा स्पीड
रखकर आपको समझाया है, स्पीड में समझाया है, लेकिन जो प्रीवियस हमारे सेशन हमने कंप्लीट किए हैं उनके अंदर मैंने इसको बहुत सिंपली और बहुत वक्त लेकर समझाया है, डिटेल में समझाया है। इसलिए आप लोग उन सभी सेशन को देखिएगा आराम से, ठीक है, वक्त रह के। और उन सभी सेशन की मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, इसलिए आपको ढूंढने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमने ये एंकरेज लेंथ देख ली भाई कि 675 एमएम वहां पर अवेलेबल है, जरूरत है 564 एमएम, नाउ दैट इज इनफ एंड ओके। तो ये हमने यहाँ तक क्या किया, मोमेंट कैलकुलेट कर ली और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए मोमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सारी चीजें यहाँ तक की हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब वन वे शेयर की बात कर लेते हैं। वन वे शेयर चेक करना होता है, वन वे शेयर के अंदर करना कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये स्लोप फुटिंग है, वेरिएशन है हमारे डेप्थ के अंदर टॉप टू बॉटम में। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टाउ वी का। हमें बेसिकली करना क्या होता है इसके अंदर चेक, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है हमने, वी यू माइनस एम यू बाई डी इंटू टेन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी, ये एक रिलेशन आपको आईएस कोड में ही दे रखा है। ओके, कहां दे रखा है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। चलिए, तो अब इसमें एक एक सारी जो टर्म्स है इन सभी को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। वी यू यहाँ पर क्या होगा, तो वी यू बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये जो आपकी स्ट्रिप है, ये जो आउटर स्ट्रिप है, ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। तो इस स्ट्रिप के ऊपर जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर लगेगा बेसिकली वो निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेगा, इसका एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया डिवाइड इनटू इसके ऊपर जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा है 272 का वो, तो इसका एरिया कितना होगा, तो हमें पता है कैसे। देखो, ये जो शियर होता है, वन वे शियर जो होता है, ये आपके पेडेस्टल की फेस से डेप्थ डी की दूरी पर लगता है। डेप्थ डी हमारे पास कितना था, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला, दैट इज 392 की दूरी पर यहाँ पर आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो इससे बाहर की जो डायमेंशन है, जो आपका सेक्शन है, पोर्शन है, वो कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो हमें पता है कि भाई आपके पेडेस्टल के फेस से यहाँ तक का जो टोटल ओवरऑल डिस्टेंस है एज तक का, वो 725 एमएम का है, माइनस आप 392 कर दीजिए, तो आपको जो आउटर एरिया बचेगा, आउटर जो सेक्शन बचेगा पोर्शन, वो 333 एमएम बचेगा। तो बस ये 333 इंटू ये 2.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको एरिया मिल जाएगा इसका, इंटू जो ऊपर अपवर्ड प्रेशर लग रहा है, हमें पता है 272.1 का है, तो वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये ओवरऑल जो उस पोर्शन के ऊपर प्रेशर लग रहा था सॉइल के अपवर्ड प्रेशर की वजह से, वो मिल गया। अब बात करते हैं बी की, तो ये उसकी रेजिस्टिंग विड्थ होती है बेसिकली, ठीक है। अब ये बी कितनी होगी, तो देखिए सिंपल सी चीज है, बी माने क्या होता है भाई, कि ये जो स्ट्रिप है आपकी यहां से लेकर का, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस। अब ये कितना होगा, तो हमें पता है कि ये टोटल हमारा जो पेडेस्टल है वो 650 एमएम का है, ठीक है, 650 एमएम, इधर से 392 प्लस कर दीजिए, इधर से 392 प्लस कर दीजिए, बस वही हमने किया है, 1434 एमएम आ रही है, ठीक है। डी जो होती है, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये मतलब क्या है, कि ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है ना डी डिस्टेंस पर, यहां पर इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, अगर हम इसके सेक्शन की बात करें तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये डेप्थ कितनी है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे हम पता, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है मैंने, ठीक है, 162 प्लस 162 क्या है, तो ये एज की जो इफेक्टिव डेप्थ है वो है, प्लस 333 मतलब ये पोर्शन डिवाइड बाय टोटल ओवरऑल जो 725 का वो पोर्शन था, इनटू जो बची हुई हाइट है वो, तो वो आपको 230 है। तो यहाँ पर अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो 267.6 एमएम हो गई, तो ये डेप्थ आपकी निकल गई, ये आपके क्रिटिकल सेक्शन पे जो इफेक्टिव डेप्थ थी वो हमने निकाली है। मुझे पता है मैं थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं, और जो लोग नए होंगे वो शायद मुझे मन में गालियां दे रहे होंगे कि इतनी स्पीड में आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन उन सभी लोगों को मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये सारे जो कैलकुलेशंस है, कंसिडरेशंस है, ये एग्जैक्टली सभी चीजें हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, कवर कर रखी है, एक्सप्लेन कर रखी है। आप लोग नए हो इसलिए आपको पता नहीं है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, तब आपको ये चीजें अच्छी तरह समझ में आएगी, और आप खुद अंदर से कहोगे कि ये अच्छा कर रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में इसको कवर कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। इसमें नई चीज सिर्फ पेडेस्टल ही थी, और पेडेस्टल के इंक्लूड करने के बाद जो चीजें चेंजेस यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें वन वे के अंदर हमने निकाल लिया बस, और वन वे के अंदर जो मोमेंट होती है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के अंदर मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मोमेंट कितनी है क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर वो भी यहाँ पर देख लीजिए। वो अगर देखे तो हमारे पास जो W है वो 272.1 इंटू 2.1 L स्क्वायर बाय 2, बात करें तो L हमारे पास जो पोर्शन था हमने अभी निकाला 333 का, वो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंट जो आ रही है वो 31.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर 10 बीटा की जरूरत थी, तो 10 बीटा इज नथिंग बट दी वो हम अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारा जो इसकी जो विड्थ होती है, जो टॉप की जो
डेप्थ बाकी रहती है, ठीक है, ये वाली हम कहें अगर ये वाली जो डेप्थ है वो और ये, ठीक है, इसका रेशियो होता है बेसिकली 725 का, ये हमने देख लिया, तो 10 बीटा की वैल्यू हमारे पास 0.317 आ रही है, 10 बीटा हमारे पास आ गया, डी हमारे पास है, डी हमारे पास है, एमयू हमारे पास है, वीयू हमारे पास है, सारी चीजें कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा टाउ वी का, दैट इज नथिंग बट 0.395 न्यूटन पर एमयू स्क्वायर, टाउ वी आपके पास आ गया। अब बारी आती है टाउ सी की, तो देखो टाउ सी आपको आईएस 456 के अंदर पेज नंबर 73 के ऊपर इसके लिए दे रखा है कि आपको करना क्या है, बेसिकली ये टेबल आपको दे रखा है बेसिकली वहां पर, तो उसमें आपको टाउ सी की वैल्यू दे रखी है डिपेंडिंग ऑन अ रेशियो दैट इज नथिंग बट दी 100 एएस डिवाइड बाय बीडी। कैसे निकाला जाता है, तो इसके अंदर बेसिकली आपको 100 एएस डिवाइड बाय बीडी का अगर पहले आप रेशियो निकाल लीजिएगा तो इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए 100 एएस मतलब क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ स्टील जो आपने प्रोवाइड किया था वो वाला है, ठीक है, हमने मोमेंट के लिए प्रोवाइड किया था ओवरऑल, तो वो 1357 का हमने प्रोवाइड किया था, डिवाइड बाय बी हमारे पास पता है 1434 है, और डी हमें पता है 267.6 है जो अभी हमने कुछ देर पहले निकाला था, ठीक है, ये वाले डी की मैं बात कर रहा हूँ 267.6 है ना, तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। इसका अगर रेशियो देखा जाए तो वो 0.354 है, इसका रेशियो कितना आ रहा है 0.354 का रेशियो यहाँ पर इसका निकल के आ रहा है, तो इस रेशियो का अगर उस टेबल के अंदर जाओगे जो पेज नंबर 73 के ऊपर आपको दे रखा है आईएस 456 के अंदर, वहां से आपको टाउ सी की वैल्यू मिलेगी दैट इज नथिंग बट 0.408 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखिए टाउ सी 0.4 है और टाउ वी आपकी 0.39 है, तो इसका मतलब ये कि टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ये रिलेशन ये प्रूव करता है, इसलिए यहां पर आपका वन वे के अंदर जो फुटिंग है वो बिल्कुल सेफ है, इट मींस दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर बखूबी देख ली। अब बात करते हैं टू वे शियर के लिए। देखिए टू वे शियर का जो चेक है उसके लिए भी आपको आईएस 456 के अंदर पेज नंबर 59 के अंदर प्रोविजन दे रखा है, एक रिलेशन भी दे रखा है। इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, टाउ बी शुड बी लेस देन के एस इनटू टाउ सी, ये रिलेशन ये आपको चेक करना होता है इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इस रिलेशन के अंदर जो टाउ बी होता है, सॉरी टाउ बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है वी ओवर बी डी, ठीक है। अब यहाँ पर वी यू क्या होगा, तो ये बेसिकली जो आपका पोर्शन है बचा हुआ बाहर का स्ट्रिप का उसके ऊपर लग रहा सॉइल का अपवर्ड प्रेशर है, ठीक है, वो हमें निकालना है। जो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए हमें पता है कि अब ये क्योंकि टू वे की बात कर रहे हैं तो पूरी पेरिफेरी जो होती है इसके ऊपर जो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन बनता है पोर्शन बनता है हम वो कंसिडर करते हैं टू वे शियर के अंदर, तो पेरिफेरी यहाँ पर पेरिफेरल जो डायमेंशन है वो निकालने होते हैं, और पेडेस्टल के फेस से हमारा टू वे शियर कहाँ होता है, तो डी एवरेज बाय टू डिस्टेंस पर होता है, डी एवरेज बाय टू डिस्टेंस पर होता है, और हमने देखा कि भाई डी हमारे पास एवरेज कितना होता है डी एवरेज, तो ये आपके सामने इसका कैलकुलेशन बखूबी अवेलेबल है आप देख सकते हो, ठीक है। तो डी एवरेज हमारे पास कितना है 398 है, डी एवरेज बाय 2 है तो मतलब 199 हो जाएगा, 199 इधर से, 199 इधर से, 199 ऊपर से, 199 नीचे से, मतलब चारों तरफ से जो उसके पेरिफेरी है वो 199 mm की दूरी पर उसका एक क्रिटिकल सेक्शन बना रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमें पता चल गया। अब हम क्योंकि VU की बात करते हैं तो बाहर जो बचा हुआ पूरा पोर्शन है वो माइनस इंटरनल जो एरिया है वो, ठीक है, इनटू 272.1 जो हमारा अपवर्ड प्रेशर लग रहा था वही हमें जो प्रेशर लग रहा है वो देगा, ठीक है। तो बेसिकली 202.1 जो हमारा बाहर का जो पेरिफेरी था वो 2.1, ये 2.1, ये 2.1 था, ठीक है, तो ये एरिया हमारा आ गया, तो 2.1 का एरिया हमने देख लिया। इंटरनल जो एरिया था वो कितना होगा, तो देखिए ये हमारे पास 650 हमारे पेडेस्टल है प्लस 199 कर दीजिए, प्लस 199 कर दीजिए, तो 1048 mm आपका हो जाएगा। तो बेसिकली 1048 mm का आपका ये इंटरनल 1048/1048 मतलब ये आपका इंटरनल एरिया हो गया, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल एरिया हमने कर दिया और इसको अपवर्ड प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास VU आ गया, ठीक है, VU हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं रेजिस्टिंग विड्थ की उसकी, तो रेजिस्टिंग विड्थ कितनी है उसकी, तो ओवरऑल जो आपका क्रिटिकल पेरिफेरी होती है वो आपको यहाँ पर कंसिडर करनी होती है, और यहाँ पर पेरिफेरी कितनी होगी, 1, 2, 3 और 4 होगी, ठीक है, चार साइड्स है हमारे पास, एक साइड की जो लेंथ है या विड्थ हम कह सकते हैं उसको वो 1048 है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 के साथ, तो आपके पास विड्थ आ गई। डी की बात करें तो सेम जो हमने अभी कुछ देर पहले किया 162 + 526 क्या होगा यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे होगे यहाँ पर इस पेरिफ ये जो क्रिटिकल सेक्शन है उसके बाहर का अवेलेबल पोर्शन, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, ठीक है, क्योंकि 725 - 199 कर दो जो 526 आपको ये आउटर क्रिटिकल सेक्शन दे देगा, तो ये हमने दे लिया। उसके बाद 725 जो कि ऊपर ऑल और बाकी था, ठीक है, इंटू 230 ये हमने डी निकाल लिया इसका, दैट इज 329 mm। तो ये सारी चीजें नोन हो गई। अब टावी की वैल्यू निकाल सकते हैं, टावी की वैल्यू कितनी आ रही है,
तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पर रखी इस फॉर्मूले के मुताबिक तो हमारे पास tau v की वैल्यू आ रही है 0.653 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बात करते हैं ks into tau c की, तो ks into tau c का फॉर्मूला आपको IS के अंदर जो है 456 आपके पास है, उसमें पेज नंबर 59 के ऊपर दे रखा है कि ks जो आपका होता है वो 0.5 प्लस बीटा c ये होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा आ रही है तो फिर 1 होना चाहिए, ये आपको कंडीशन दे रखी है वहां पर। और आपका tau c क्या होता है तो 0.25 अंडर रूट fc की होता है, ठीक है। fc के हमारे पास 20 होगा बिकॉज हमने m20 ले रखा है। तो देखिए बीटा c की यहाँ पर अगर वैल्यू देखे तो बीटा c नथिंग बट दी कॉलम का जो दोनों उसके डायमेंशन है लॉन्गर बाय शॉर्टर वो होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक डायमेंशन स्क्वायर हमारे पास कॉलम है तो 1 आएगी। 1 प्लस 0.5 अगर करें तो ये 1.5 हो रहा है विच इज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पर ks की वैल्यू 1 लेंगे बेसिकली। उसके बाद tau c की बात करें तो tau c हमारे पास 0.25 अंडर रूट 20 हो जाएगा, तो ks into tau c का जो टोटल ओवरऑल वैल्यू होगी वो 1.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास tau v की वैल्यू 0.653 है और हमारे पास ks into tau c की वैल्यू 1.12 है। यहां पर हमें पता चलता है कि हमारी tau v की वैल्यू ऑब्वियसली tau c ks into tau c से कम है, इसका मतलब ये टू वे के अंदर भी सेफ है, ये हमने यहाँ पर बखूबी कंफर्म कर लिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो पहले मुझे कमेंट कर लिए, और अगर आपको कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन लग रहा है स्पीड की वजह से तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को पहले रिफर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसफर अब एक आखिरी चेक इसमें होता है कि भाई आपके पेडेस्टल से फुटिंग के अंदर जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सेफली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमें डोवेल की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये निकालना था कि पेडेस्टल के बेस में जो एक्चुअल लोड आ रहा है वो कितना है, तो सिंपल सी चीज है वहां पर एक्चुअल जो लोड है वो ही होगा जो कॉलम से आ रहा है, तो कॉलम से कितना आ रहा है 800 आ रहा है, और वहां पर वो फैक्टर्ड करना होता है तो फैक्टर हमने किया तो 1200 किलोन्यूटन का टोटल लोड होगा जो पेडेस्टल के द्वारा फुटिंग में ट्रांसफर होगा। अब वहां पर जो पेडेस्टल का बेस है उसकी अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है वो हमें देख लेना है, तो वो कैसे देखते हैं तो 0.45 fck into area of pedestal base, ये उसका बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो हमारा जो पेडेस्टल का बेस एरिया है वो कितना होगा 650/650 होगा, 0.45 fck 20 हो जाएगा into 10^-3 कर दिया हमने किलोन्यूटन करना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कर ली है तो 3802 किलोन्यूटन हमारे पास अलाउेबल बेरिंग प्रेशर अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी है यहाँ पर, और कैपेसिटी कितनी है मतलब 3800 की समथिंग है, और इसके अंदर जो लोड आ रहा है वो एक्चुअल 1200 है, मतलब यहाँ पर ये सेफ है। आप अगर यहाँ मतलब डबल बार प्रोवाइड ना भी करो तो भी ठीक है, लेकिन IS कोड कहता है कि मिनिमम 0.5% प्रोवाइड कर ही दिया करो भाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई डबल बार प्रोवाइड कर देते हैं 0.5/100, मतलब 50% आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो 0.5/100 इनटू जो आपका पेडेस्टल था उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का 50% आप यहाँ पर AST प्रोवाइड कर सकते हो मिनिमम डबल बार के लिए। तो ये 2112 mm² आपके पास AST आ रहा है मिनिमम डबल के लिए, आप यहाँ पर सिंपली 8 बार्स प्रोवाइड कर दिए 20 mm डायमीटर की और कैलकुलेट कर लीजिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना है, तो 2513 mm² आपने प्रोवाइड किया है। कैसे प्रोवाइड करना होता है, ये कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये भी मैंने आपको बखूबी बता दिया है, एक्सप्लेन करवा दिया है। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट के जरिए आप बता दीजिएगा। तो बेसिकली ये था हमारे पास आइसोलेटेड स्क्वायर फुटिंग या आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग, जिसके अंदर अगर एक पेडेस्टल ऐड किया जाए तो कैसे उसके कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, IS कोड क्या कहता है, और हमें किन किन प्रोसेस से होकर आगे गुजरना होता है, ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आसान भाषा में एक ही वीडियो में मैंने कवर कर रखी है। काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होगी कि एक आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग में पेडेस्टल को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, उसके अंदर चाहे वो स्टील का प्रोविजन हो या फिर उसके डायमेंशन की कंसिडरेशन हो, वो सारी चीजें एक एक करके हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है, डिजाइन कर ली है। स्पीड की वजह से अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आप नए हो तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको ये स्पीड बिल्कुल कम लगेगी फिर, क्योंकि बहुत गहराई से मैंने सारी चीजें समझा रखी है। ओके, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप देख लीजिएगा, या आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, मोबाइल एप्लीकेशन हमारी है, इंस्टॉल करके वहां पर भी इन सभी वीडियोस को एक जगह बिना किसी डिस्टर्बेंस के देख सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के आप देखते रहिएगा टेक्निकल सिविल और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।